नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़। सर्दियों का मौसम चल रहा है और ठंड अपनी चरम सीमा पर है, तो वहीं कोहरे ने भी वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और वाहन सड़कों पर रेंग कर चलने को मजबूर हैं, और ऐसे में हम लोगों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाने में खुद अपनी जान जोखिम में डालकर बस के चालक और परिचालक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा घने कोहरे में बस को लेकर चलना तमाम यात्रियों को उसमें बैठाकर। सैल्यूट है रोडवेज बस के चालक और परिचालकों को, जो मात्र 586 रुपये की दैनिक मजदूरी के लिए खतरा मोल लेकर हम सबको सुरक्षित हमारे गंतव्य तक पहुँचाते हैं। यही सब जानने के लिए आज सिटी हलचल न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ राजपाल सिंह चौहान ने उत्तराखंड परिवहन की एक बस में थोड़ी दूर का सफर किया, जो जा रही थी कोटद्वार से हल्द्वानी, और बस के चालक एवं परिचालक से बातचीत की। नजीबाबाद से अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह सिटी हलचल न्यूज़। आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? गाड़ी का जो संचालन होता है कोटद्वार से हल्द्वानी के लिए होता है। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे इस गाड़ी का कोटद्वार से संचालन किया जाता है हल्द्वानी के लिए। इतने कोहरे में अभी हमारी गाड़ी इस टाइम 1 घंटे 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा यात्रा कर चुकी है गाड़ी। इस टाइम कोहरा बहुत अत्यधिक हो रखा है, जिससे कि हमारी गाड़ी 20 की स्पीड में इस टाइम संचालन कर रही है। कोहरे में तो बहुत परेशानी पड़ती होगी आप लोगों को। हाँ जी, फिलहाल सर्दियों के महीने में तो 2 महीने में संचालन करना काफ़ी दिक्कत होती है, चालक को बड़ी दिक्कत आती है गाड़ी के चलाने में। कोहरा अत्यधिक होता है रोड पे, तो जिसके कारण चालक को बड़ी मुसीबत से गाड़ी चलानी पड़ती है। जैसा आज अब इस टाइम 7 बज चुके होंगे, हाँ जी 7, कुछ भी नहीं रोड पे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, इस टाइम 7 बज चुका है दिन का, सुबह हो चुकी है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि रात के 4 बजे हो। अत्यधिक कोहरा है, अंधेरा हो रखा है, बाहर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुबह नहीं हो चुकी है, रात ही लग रही है। कोहरे के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी रात ही है। आप तो डेली चलते होंगे या कभी? हाँ जी, फिलहाल हम लोगों का डेली का संचालन है इस रूट पे, और डेली आवागमन है हमारा, आना जाना लगा रहता है इस रूट पे। और सर्दियों के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को यहाँ पे आने जाने में। सरकार खाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार से कुछ उपेक्षा है आपके लिए? कुछ सरकार की तो कोई उपेक्षा नहीं की जा सकती सरकार के प्रति, क्योंकि ये तो मौसम है, प्रकृति का अपना हुआ है रुख है, इसमें कोई डिमांड नहीं की जा सकती है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? देखो जी, 2 से 2.5 साल हो गए। इतने कोहरे में आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और इन यात्रियों को स्थान पर पहुंचाते हैं और अपनी गाड़ी को भी बचाते हैं? जी देखो, रिस्क तो बहुत होता है जी, पर क्या करें, मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है। आप सरकार से क्या चाहेंगे कि जैसे गाड़ी रोड पे कुछ नहीं दिखा देता है, इसके रेडियम लगाया जाए? जी, रेडियम वगैरह होने चाहिए, और दूसरे जैसे ट्रॉली गन्ने वाले ट्रॉले होते हैं, उनके पीछे कोई रेडियम नहीं, कोई लाइट नहीं होती कोहरे में, उनका कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता। ज़्यादातर बैलगाड़ी हो गई, ट्रॉली गन्ने वाले हो गए, इनके पीछे रेडियम किस होना चाहिए। तो आप ये सरकार से उम्मीद करेंगे कि इनके पीछे रेडियम लगना जरूरी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप 2 महीने तो बहुत परेशान होते होंगे गाड़ी चलाते हुए? 2 महीने में पूरी परेशानी रहती है। परिवार में आपके कौन कौन हैं? परिवार में सभी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, पूरी फैमिली है। मतलब पूरी फैमिली का आप छोड़कर डेली रोडवेज में बस चलाते हैं? जी बिल्कुल। आपके घर वाले आपके टेंशन तो नहीं रखते हैं? देखो, टेंशन तो होती है, पर क्या करें, नौकरी भी करनी है, ड्यूटी तो जरूर ड्यूटी है। अभी हमने आप देखा रास्ते में आते हुए, आप कुत्ते तक को बचाने के लिए आप ब्रेक मारते हैं? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि ड्राइवर एक्सीडेंट कर दिया। नहीं, जान तो कुत्ते में बचाना तो पड़ता ही है जी। मतलब जानबूझ के आप कुछ नहीं होता कभी? नहीं जी, नहीं बिल्कुल, ये दूसरे की गलती से ही होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख रहे हैं जहाँ लाखों यात्रियों को पहुँचाने वाले सरदार जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, नहीं निकल रहे हैं। ज़िला बिजनौर और आसपास की खबरें जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक पहुंच सकें हमारी खबरें सबसे पहले।